हम जब जन्म लेते हैं इस शरीर में तो हमें नाना प्रकार की भौतिक स्किल्स जो है, भौतिक एक प्रकार की योग्यताएं जो है प्राप्त करने के लिए हमारे माता पिता, हमारे वरिष्ठ जो है वो प्रेरणा देते रहते हैं और यही हम हमारे बच्चों को भी देते हैं। तो भौतिक स्तर के गुण और भौतिक स्तर की योग्यताएं प्राप्त करना ये कोई गलत बात नहीं है, परंतु जितना व्यक्ति भौतिक रूप से योग्य बनते जाता है उतना ही उसको आवश्यक है कि वो भगवान की तरफ अपनी शरणागति बढ़ाए। ऐसा क्यों होता है? तो एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तैर रहा है पानी में तो वो जितना हल्का होकर तैरे उतना ही उसको अच्छा होता है। अगर वो अपने पीठ के ऊपर बोझा लेकर तैर रहा है तो वो शुरू शुरू में उसे तैरना बहुत मुश्किल लगेगा, बाद बाद में अगर वो बोझा और ज्यादा बढ़ जाता है तो वो उस बोझे के नीचे डूब जाएगा, तैर ही नहीं पाएगा। तो भौतिक योग्यताएं जो है एक एक बोझे की तरह है उस व्यक्ति के पीठ पर जो पानी में तैर रहा है, और हम भी भवसागर में तैर ही रहे, हमको भवसागर को पार करना है। अब ये भौतिक योग्यताएं जो होती है, जिसे कुंती महारानी कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, उच्च कुल में जन्म है, ऐश्वर्य है, धन की प्राप्ति है, व्यवसाय है, प्रॉपर्टी है, इस्टेट है, श्रुत श्रुत यानी नाना प्रकार का एजुकेशन है, और श्री कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, ये सब वास्तव में वांछनीय है, इसकी हमें इच्छा होती है और इसकी इच्छा करनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंडिविजुअलिटी है जीव को, और हम इस मनुष्य शरीर में है तो इसकी इच्छा करनी भी चाहिए और ये प्राप्त तो होता भी है। अच्छा शिक्षण हमें हमारे, और मजे की बात यह है कि जब हम जन्म लेते हैं ना तभी इसमें से अधिकतम तय होता है कि हमको कितनी शिक्षा मिलने वाली है, कितना धन प्राप्त होने वाला है, कितना ऐश्वर्य प्राप्त होने वाला है, हमारी आयु कितनी है, हमारी मृत्यु कितनी है, सब तय होता है और उसके हिसाब से हमें मिलते भी जाता है। अब ये जब योग्यताएं हमको प्राप्त होती है तो वास्तविक जो है वो प्रॉब्लम इसके बाद प्रारंभ होता है। आप देखोगे भौतिक रूप से एक मॉडरेट व्यक्ति जो होता है, मीडियोकर जिसे कहते हैं, या फिर एक अक्षम व्यक्ति होता है जो बहुत अधिक, जिसकी पढ़ाई नहीं हुई है या जिसके पास अधिक धन नहीं है, वो व्यक्ति अपना भौतिक जीवन सामान्यतः कष्ट से भी निकाल रहा हो, लेकिन जब वो वैष्णवों के संपर्क में आता है, भगवान के संपर्क में आता है, तो उसकी श्रद्धा बड़ी दृढ़ हो जाती है। तुरंत वो भक्ति को पकड़ लेता है, भक्ति की क्रियाओं को पकड़ लेता है, हरि नाम को पकड़ लेता है, नाम जप करने लगता है और नाम में उसकी श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ने लगती है। परंतु जो व्यक्ति भौतिक रूप से योग्य है ना, वो भगवान के या भक्तों के संपर्क में आने पर भी इतना जल्दी भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा सामान्यतः प्रायः नहीं देखी जाती है। अब होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आए भी और भक्तों के संग में आता भी है तो उसकी भौतिक योग्यता है वो उसी बोझ की तरह है जो उसके आध्यात्मिक प्रगति में ही बाधा डालने लगती है। आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ क्या है कि भव सागर से तरकर पार हो जाना, यही आध्यात्मिक प्रगति है। अब वो जब तैरने लगता है, पार होने लगता है, तो ये जो योग्यता है ये उसके ऊपर जो पीठ के ऊपर नाना प्रकार का बोझा रखा हुआ है वो उसे पार होने में बड़ी कठिनाई देती है, और कभी कभी तो वो पार होने भी नहीं देती, वो डूब जाता है। इसलिए जितना हम भौतिक जीवन में प्रगति करें उतना ही अधिक हमको आध्यात्मिक जीवन में सीरियस होना चाहिए। एक एक भौतिक योग्यता एक एक शून्य के समान है। वो शून्य का आप 10 शून्य लगा लो, 12 शून्य लगा लो, 15 शून्य लगा लो, शून्य का मूल्य शून्य ही होता है। लेकिन जितने अधिक शून्य है उसके आगे अगर एक आ जाए तो जितने अधिक शून्य है उतनी ही उसकी मूल्य बढ़ते जाता है। जैसे 2 शून्य है
दो से अधिक तीन है, तीन से अधिक पांच है, पांच से अधिक 10 है, खाली शून्य है तो शून्य की कीमत शून्य ही है। लेकिन उसके पहले अगर एक लग जाए तो 2 शून्य का 100 हो जाएगा, 3 शून्य का 1000 हो जाएगा, 5 शून्य का लाख हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसकी मूल्य जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाती है। तो जितने हम भौतिक रूप से सक्षम हैं उतना ही हम अगर आध्यात्मिक रूप से शरणागत हो जाए तो वो आध्यात्मिक शरणागति भगवान के रूप में एक बनकर उन शून्य के आगे लग जाती है। अब जब एक बनकर उन शून्य के आगे लगती है तो हमारी भौतिक योग्यताएं अब हमारे लिए बोझ नहीं अपितु हमारी शक्ति बन जाती है। और ये शक्ति जो है ये हमें आध्यात्मिक प्रगति में भी आसानी करती है प्राप्त करना, और दूसरे प्रचार में भी सहायक होती है। जितना व्यक्ति भौतिक रूप से सक्षम है, अगर वो भगवान को शरणागत होकर भगवान का प्रचार करने में लग जाए तो उसका प्रभाव समाज पर बहुत जल्दी पड़ता है। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरोपरः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। समाज में इसका अनुवर्तन बहुत आसान हो जाता है, लोग उसको अनुवर्तन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं बहुत आसानी से। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ का अर्थ केवल उम्र से नहीं, श्रेष्ठ का अर्थ है जो कोई बहुत ज्यादा सीखा पढ़ा लिखा है, कोई बहुत ज्यादा धनी है, जिसका समाज में प्रतिष्ठा है, जिसके पास वैभव है, वो जो भी फॉलो करता है ना उसे लोग अनुवर्तन करते हैं। यही हम देखते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में कि जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं वो सब ऐसे आइडियल्स होते हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं, तो वो जो करते हैं वो लोग फॉलो करते हैं, इसलिए उनको एडवर्टाइजमेंट में लिया जाता है। तो उसी प्रकार भगवान के प्रचार में भी अगर हमारे पास योग्यता है, अगर हम लग जाते हैं तो हमें कुछ लोग फॉलो करने वाले हैं, हर एक को कुछ ना कोई लोग फॉलो करने वाले हैं। तो हमारी हमारी भौतिक योग्यता को भगवान की सेवा में अगर लगाना है, इसी को कहा गया है वैष्णव धर्म, कायेन वाचा मनस इंद्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात्। तो हमारे स्वभाव को और क्या, हमारे अहंकार को बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। तो जो बुद्धि आत्मा है, आत्म का अर्थ है अहंकार यहाँ पर, तो अहंकार के द्वारा या फिर हमारे स्वभाव के द्वारा हम जो कुछ भी करते हैं इसको हम भगवान के श्री चरणों में अर्पण करना चाहिए। कैसे अर्पण करना चाहिए? तो यही हमारी जो भौतिक योग्यता है इसको भगवान के प्रचार में लगाना चाहिए। अब ये कैसे लगेगी? ये दूधारी तलवार है। अगर हम शरणागति के साथ प्रचार नहीं करेंगे नम्र बनकर, तो यही तलवार सामने वाले के भौतिक बंधन को काटने के बजाय हमको ही काट देगी। तो बहुत अधिक आवश्यकता है, खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास ऐश्वर्य है, धन है, व्यवसाय कर रहे हैं, समाज में प्रतिष्ठा है, मान है, ऊंचे कुल में जन्म लिए है, उनके लिए तो बहुत आवश्यक है कि वो बहुत ज्यादा शरणागति के साथ भक्ति करने का प्रयास करें। क्योंकि जितनी भौतिक योग्यता है उतना बोझ अधिक, और जितना बोझ अधिक उतना ही हमको और अधिक ताकत लगानी होगी, शक्ति लगानी होगी तैरने के लिए, और वो शक्ति प्राप्त होगी भगवान से, भगवान की शरणागति से। और इसलिए शरणागति जो है इसकी आवश्यकता उन लोगों के लिए अधिक है जो समाज में कुछ न कुछ प्रतिष्ठा रखते हैं। ये शरणागति आती है भगवान नाम के जप से, और जप अगर अच्छा हो, जप अगर कोई साधना अच्छी कर रहा हो तो उसे अपने भौतिक गुणों का या भौतिक योग्यताओं का अहंकार नहीं होगा, वो सब कुछ में भगवान को देखेगा और भगवान के लिए ही कार्य करता रहेगा। जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है और जिससे प्रचार हो रहा है, समझ लेना चाहिए उसकी साधना सही है। अगर कोई प्रचार नहीं कर रहा है, जिस किसी को प्रचार करने की प्रेरणा नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं साधना में गड़बड़ है, इसको सुधारना चाहिए। क्योंकि भगवान का प्रचार किए बिना हम हमारे स्वयं के प्रगति को भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण।